ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਜਣ ਵਾਲੀ ਸਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਏ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਸ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਲੈਣ ਸੱਚਣ ਦੀ ਬਾਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਬਾਕੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੱਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਰਹਿ ਸੁਣ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈ ਰਹਿ ਸੁਣ बाणी स्वामी जी महाराज शब्द पांचवा भजन कर मगन रहो मन में भजन कर मगन रहो मन में ये बाणी स्वामी जी महाराज की है। हजूर स्वामी जी महाराज मगन होने वास्ते दस रहे हैं किस काम के नाल तो मगन हो सकता है, बेफिक्र हो सकता है। दुनिया के विच असी अनेक काम करते हैं, बेफिक्र होने वास्ते चिंता नूं टाण वास्ते कोई बिजनेस करता है, कोई दुकानदारी करता है, कोई खेतीबाड़ी करता है, कोई ना कोई हर बंदा काम करता है, लेकिन साड़ी चिंता मुकदी नहीं, असी मगन नहीं हो सकते। संत जो कुछ भी दसते हैं सही जो उन्होंने आप किया है कि जब तक तू भजन नहीं करेगा ईश्वर का, तेरे विच कोई विश्वास नहीं, भरोसा नहीं उस मालक ते, ना ही तेरे ते कोई दया हो सकती है, ना ही तू मगन हो सकता है। जिहड़े भजन करते हैं वो मालक ते विश्वास रखते हैं, वो बेफिक्र रहते हैं, उस मालक ते सब कुछ छोड़ देंदे हैं कि असी ते तेरे नौकर हैगे हैं, तू करन कारण सब कुछ है, वाधा कर घाटा कर तेरी मर्जी, वो बेफिक्र रहते हैं। वो मालक जमा बार बन जाता है पर जद असी वो सुट दईए, कई बार अगे भी दसिया है कि एक माई बुढ़ी फरीद साहब के बारे फरमाया, छोटा सी फरीद साहब जी, उसकी माता ने कहना बच्चा नवाज पढ़िया कर, माता नूं उसने कहना कि नवाज पढ़िया की मिलता है, हुण उन्हूं पता नहीं सी भी की मिलता है। जद भी उसने कहना नवाज पढ़िया कर, उसने कहना नवाज पढ़िया की मिलता है, तो उन्हूं कोई जवाब नहीं आना। कोई महात्मा शब्द व्यासी मिलिया, उस दे नाल माई ने अर्ज कीती कि मैं अपने लड़के नूं कहनी हां नवाज पढ़न वास्ते, मगर वो मैनू अगू पुछदा है कि नवाज पढ़िया की मिलता है, तो मैनू कोई पता नहीं कि की मिलता है। महात्मा ने कहा माई तू इदा करया कर, एक टके की शक्कर लैके उसकी सफ के थले रख दिया कर, जदों भी तैनू कवे तू कह कि बच्चा शक्कर मिलती है। जदों उसने नवाज पढ़नी सब पुटनी थल्यों शक्कर निकलनी, चस्का हो गया रोज़ दर रोज़ उसनों शौक पैदा हो गया। कई दिन गुजर गए, एक दिन माई नू याद नहीं रहा शक्कर रखन दा, जदों नवाज पढ़न लग पिया तो माई नू याद आया कि आज मैं शक्कर नहीं रखी, जे इसनों शक्कर नहीं मिली तो इसने मुड़ के नवाज नहीं पढ़नी। उस परमात्मा अगे बेनतियां करती है कि हे मालक हुण तू मेरी इज्जत रखनी है। जदों उसने नवाज पढ़ी अगे वांग रही सब पुट के देखी तो शक्कर पई सी, पुछया बेटा अज भी शक्कर मिली है? कहन लगा रोज ही मिलती, अज कि नवी मिलनी सी।
अगे भी मिलती है। कहन लगी हुण मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, हुण उस खुदा की ड्यूटी हो गई है, परमात्मा की ड्यूटी हो गई है। सो इस वास्ते असी मगन नहीं रह सकते, किसी काम के विच नहीं मगन हो सकते, एक सिर्फ भजन के विच मगन हो सकते हैं। भजन करके असी मगन हो सकते हैं। गुरु नानक देव जी ने मरदाने नु कहा, मरदानिया ये ज्वार का दाना जड़ा लाहौर की कुकड़ी ने खाना। मरदाने ने फड़ के मूँह च पा लिया, सुरुंड लगा, वो दाना अंदर नहीं गया, कपाल चढ़ गया। जदों लाहौर के दौरे गए, मरदाने नु नेशा ही दाना बाहर आ गया। गुरु साहब ने कहा, मरदानिया ये ओहो ही दाना जड़ा मैं तैनू कहा सी कि लाहौर की कुकड़ी ने खाना, तू कि खा सकता है। ये जो कुछ भी संत सानू बाणी द्वारे दसदे है, साढ़े एक विश्वास नू कायम करन वास्ते दसदे। जब साडा परमात्मा ते विश्वास हो जाएगा तो असी बेफिक्र हो सकते हैं, सानू कोई चिंता नहीं फिर रहिंदी। सानू परमात्मा ते भी विश्वास ने, जिस मालिक ने सानू दुनिया ते भेजिया और सब कुछ रजिस्टर करके भेजिया, सानू उहदे ते विश्वास ही नहीं। बारों बार असी ओही चीज़ां मंगदे हैं, असी बेफिक्र हो ही नहीं सकते। स्वामी जी महाराज फरमाउंदे है कि भजन कर मगन रहो मन में, तू भजन कर बेफिक्र रहो, वो परमात्मा सब कुछ देनहार है। कई बार ये साखी सुनाई है अगे भी कि जय देव जी भगत होए है, बहुत गरीब सी, गरीबी की भी कोई हद नहीं होंदी, अमीरी की भी कोई हद नहीं है। खाण पीण नूं कुछ नहीं सी, बाल बच्चे रोंदे सन। जद शाम दे वक्त घर आना, घर वाली ने पुछना कि की लियायो तुसी, तो कुछ भी नहीं लियाना की सी, उच्चे नीवे लफ्ज कहने उन्होंने। एक दिन गरीबी की हालत नाल सोचिया कि मैं किसी दरिया विच छाल मार के मर जांदा, मगरों आपे बाल बच्चा भी मर जाएगा। जदों घरों निकल के तुर पिया, बाहर गया, कोई महात्मा मिलिया, जयदेव तू किथे जा रहे हैं? कहंदे जी मैं बहुत दुखी हाँ, बहुत गरीबी है, मेरा बाल बच्चा रोंदा फिरदा है, खाण पीण नूं कुछ नहीं, मैं किसी दरिया दे विच जाके छाल मार के मर जाना है। कहन लगे जयदेव इस तरह नहीं करना, आत्मघाती बनना, एक जन्म तू दुखी हो के कई जन्म आना पैंदा, एक जन्म दे दुखी हो के ऐसा करेगा कई जन्म होर आना पेगा तेन। तू कोई बिजनेस कर, महाराज बिजनेस भी पैसों नाल ही होंदा, फिर एक बिजनेस कर, उहदे च कोई पैसा नहीं लगता। ईश्वर की भगती कर, महाराज मैनू पता नहीं मैं किस तरह करा। उस महात्मा ने जुगती दसी, शब्द व्यासी महापुरख सी, कमाई वाला सी, बाहर जाके किसी दरख्त थले बैठे रहना, जदों घर आना घरवाली ने पुछना कि की लियायो, कहना कि मैं पातशाह दे कथा करन वास्ते जांदा। जदों कथा समाप्त होएगी तो पातशाह सानू बहुत सारा धन देगा, उसना उच्चे नीवे लफज कहने, तेरी कथा पता नहीं कदों समाप्त होनी है, बाल बच्चा साडा हुण भुखा मर रहा है। पर उसने कोई परवाह नहीं की, रोजाना बाहर जाके किसी दरख्त थले अपना ध्यान लाना, मुर्शिद दे दसे हुए निजम दे बैठे रहना, शाम नूं घर आ जाना।
कई बार बेइज्जतियां हुई, कई कुछ होया, पर उसने उधर ध्यान नहीं दिता, अपना अड्डा नहीं छड़िया। एक दिन उस परमात्मा ने पातशाह दे नफर बनाए, गड्डे लदे धन पदार्थ दे, आके पुछया कि जयदेव का घर ये ही है। तो जिस तरह अगे जिस मूँह नाल बोलती ही गुस्से नाल उस तरह बोली, एहो ही है, किथे गया पता नहीं किथे गया। ये थोड़ा जिहा समान पातशाह ने भेजा, ये तुसी अंदर रख लो, तो जो कथा समाप्त होएगी फिर होर धन देगा पातशाह। जिथे गड्ढे लदे चला गए, अंदर भरया गया, हर एक चीज़ वाधू हो गई। जदों शाम दे बकर जयदेव जी आए, कह लगी स्वामी जी मैं तुहानू बहुत बार उच्चे निवें लफ्ज कहे है, तुसी मैनू माफ़ी दे दो। तुसी सच कहिंदे सी कि मैं पातशाह दे कथा करन वास्ते जांदा, लेकिन मैं मनदी नहीं सी। ये पातशाह दे नफर आए है, गड्डे लद के लिया है, हुण साडे कोले समान जिहड़ा मुक नहीं सकदा, साडे अंदर भरिया गया, हर चीज़ साडे पास वाधू है। तुसी सच कहिंदे सी मैं मनदी नहीं सी। जयदेव जी चुप कर गए, चुप करके सोची पै गए कि केड़ा पातशाह आया, किड़े पातशाह दे नफर आए, मैं जिस दी तपस्या कर रहा वो ही पातशाह आया, उस ने अपने नफर बना के भेजे है। सो भाई जब तक असी उस मालक दी भगती नहीं करते निष्काम होके बेफिक्र होके, तो मालक नूं भी साडा कोई फिक्र नहीं होंदा। एक फकीर ने लिखिया है, सीन सुनो लोको किसे आशकां दे, जिन्हां रब दे नाम ते जान बारी, रब जद कद उन्हां नूं बख्शदा है, दुख दे के सुख दी करे कारी, कादर यार जे उस दे हो रहीए, शर्म पैंदी उस नूं बड़ी पारी। असी उस दे बनदे नहीं, अगर उस दे बन जाइए तो उसनों जरूर साड़ी शर्मा हैगी, साड़ी जरूर शर्मा पै जाएगी, वो जरूर साढ़े काम करेगा। परमात्मा की भगती दे विच बहुत कुछ है, जो कुछ दुनिया दे विच नहीं बन सकता नहीं मिल सकता वो ईश्वर की भगती चो मिल सकता है। कई बार अगे भी कहा कि जिहड़ा ध्रुव भगत होया वो किस तरह होया, ध्रुव भगत जिहड़ा सी वो छोटा बच्चा सी, ते एक दिन अपनी माता दे पिता की गोद विच बैठा सी, उहदी मतरेई माता आई, उसने बहुं फड़ के बाहर कढ़ दिता कि तेरा कोई हक नहीं इत्थे बहना। वो रोंदा रोंदा अपनी माता पास चला गया, माता पास चला गया ते माता नूं कहिंदा, माता तू ए राणी इहनां दी कि जां नौकराणी। उसने पुछया की गल है, कहिंदा मैं अपने पिता की गोद विच बैठा सी, मेरी मतरेई माता ने मैनूं बहु फड़ के बाहर कढ़ दिता कि तेरा कोई हक नहीं, की मेरा कोई हक नहीं इत्थे। उसने सहब सभा किया कि बेटा इन्हां चीज़ां नूं लैण वास्ते बड़ी तपस्या की जरूरत है, बड़े अच्छे कर्मां की जरूरत है। छोटा बच्चा सी, दिल च गल बैठ गई कि वाकई अच्छा काम करना चाहिए, तो अच्छा काम सब तो ईश्वर की भगती है। छोटी उम्र विच ही घरों निकल तुरिया, किसी जंगल विच जा के तपस्या करदे हैं, शहर विच रौला पै गया। एको एक लड़का सी, पातशाह ने तमाम कर्मचारी जितने सी सारे नूं हुक्म दे दिता कि ध्रुव नूं लभो,
कोई किसे पासे चला गया, कोई किसे पासे चला गया, पर ध्रुव मिलिया नहीं। इथों तक फिर पातशाह ने कह दिता कि जाओ कोई भी लभो तो लियाओ उसनू, मैं अद्धा राज दे देंगा। किसी ने जाके जंगल दे विच ध्रुव नू लभा जांदियां नू ते किया कि तेरा पिता तैनू आज अद्धा राज देंदा है, तू अपने राज महलां च चल। ध्रुव ने सोचिया यह की बनिया, मैं तो अजे घरों परमात्मा की भगती वास्ते तुरिया हाँ, उहदे नां ते उहदे नां ते तुरन वास्ते ही मैनू अद्धा राज मिलदे आ, जिहड़े मैनू कोल नहीं सी बहन दिंदे, अज अद्धा राज देण रहे है। कहन लगा मैं नहीं जाना, मैं ईश्वर की भगती करनी, मैं बंदगी करनी है। चला गया किसी गाढ़े जंगल दे विच, पर यह गल जारी रही कि ध्रुव नूं लभो। कहने इथों तक फिर पातशाह ने कह दिता कोई भी ध्रुव नूं लभ के लियाओ, मैं सारा ही राज दे देंगा। देखो बंदगी दा सदका, मैं सारा ही राज दे देंगा। किसी ने जाके बड़ी मुश्किल नाल जंगल लभा, कहा कि तेरा पिता तैनू सारा राज देंदा है, तू हुण अपने राज महलां च चल। उस वक्त ध्रुव भगत अपने राज महलां विच आया और उस जमाने विच 36,000 साल ध्रुव भगत ने राज कीता। तो यही सोचिया कि ईश्वर की भगती दे विच बहुत कुछ है, बड़ी शक्ति है, बड़ा जने इहदे विच दात हैगी है, जिहड़े मैनू पास नहीं सी बैठन देंदे, अज मैनू सारा ही राज दे दिता। ये सब उस मालक की मौज है भाई। ईश्वर की भगती जिहड़ी है इहदे विच बहुत कुछ, जिन्हां जिन्हां पिछे कीतियां ने तुसी उन्हां दियां बाणियां पढ़ो कि वह कोई भुखे रहे है, वो नंगे रहे है, वो हजारां दे दादे बन गए, लखां दे दादे बन गए, अखां जीव उन्हां दे लंगरां चों रोटियां खांदे है, उन्हां दे नां ते लखां जीव पल रहे है, उन्हां दे द्वारे लूले लंगड़े काने। इस वास्ते असी मगन नहीं रह सकते और किसी काम दे नाल। जो कोई स्वामी जी महाराज बाणी जी दस रहे है कि मगन रहो भजन कर, मगन रहो मन में, भजन कीत्या ही मगन रह सकता है, बेफिक्र रह सकता है, परमात्मा ते विश्वास रख सकता है। बगैर भजन दे ईश्वर ते कोई विश्वास नहीं असी रखते, ईश्वर ते भी कोई विश्वास नहीं रखते असी। जिसने सानू दुनिया च भेजिया उन्हें सानू एवें नहीं भेजिया, साड़ी परलभ जिहड़ी है पहला ही बनी है, सब कोई लिख के भेजिया उसने, लेकिन सानू कोई विश्वास नहीं। देख लो दुनिया च की हो रहा है। जो कोई स्वामी जी महाराज बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे। हाँ जी, भजन कर मगन रहो मन में, जो जो चोर भजन के प्राणी, सो सो दुख सहे। किसे दा नाम संत नहीं लेंदे, जो लफ जड़ा ए मुश्तरका लफज है। हर एक चोरी जड़ी है, किसी की भी चोरी होएगी फिर वो घाटा पूरा हो सकता है, लेकिन जड़ी ईश्वर दे नाम की चोरी है इहदा घाटा नहीं पूरा हो सकता। हजूर एक चोर की कई बार साखी सुनाते होंगे सी, एक चोर चोरी करने वास्ते गया, अपने लड़के नू नाल लै गया, दूरों दस्या वो जिस घर दीवा जग रहा है मैं 7 बार उस घर च चोरी की है।
लड़के ने कहा पिता जी तुसी सत बार उस घर नूं लुटिया है तो उत्थे फिर भी दीवा जग रहा है तो साढ़े घर तो दीवा है ही नहीं साढ़े तो दीवा ही नहीं इहदा मतलब है कि इस काम विच कोई बरगत नहीं है। उत्थों ही ज्ञान हो गया उस लड़के नूं वापस मुड़ाया कि मैं चोरी नहीं करनी मैं चोरी नहीं करनी मिहनत करके खावांगा इस वास्ते कि दुनिया के घाटे वादे जिहड़े आ सब पूरे हो जाते हैं लेकिन जिहड़ा साडा वक्त लंघ जाना इस तरह बगैर ईश्वर की भगती दे वह बकर सानू मिलना नहीं जिहड़ी रात लंघ जानी है मुड़ के रात नहीं आनी जिहड़ा दिन लंघ जाना मुड़ के दिन नहीं आना जिहड़े श्वास साढ़े चला जाने है वह श्वास साढ़े हाथ नहीं आने मुड़ के वो चला गया मुक गया वो सानू घाटा पै गया। इस वास्ते बाणी च गुरु साहब जी फरमाउंदे आ सास ग्रास न बिसरे ऐ पुरश सह लैंदिआं भी तैनूं बिसरना नहीं चाहीदा खांदिआं पींदिआं भी नहीं बिसरना चाहीदा सौंदिआं उठदिआं बहिंदिआं भी नहीं बिसरना चाहीदा। हाँ जी जो जो चोर भजन के प्राणी सो सो दुख सहे आलस नींद सतावे उनको नित नित परम बहे। गुरु साहब जी जिन्हां नूं असी कुछ समझदे नहीं बीमारियां नूं वो सानू बीमारियां दस रहे है वो दुख सानू दस रहे है कि जिहड़े भजन दे चोर ने सब तो पहला उन्हां नूं बीमारी केड़ी लगती है आलश और नींदर ते परम पै जांदा है विच आलश नींदरा जिहड़ा है ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी कारण असी कई बार भजन नहीं भी करते दिल करता है बकत पर उठ भी बहिंदा है बंदा फिर मन इस नूं पुठा सुट लैंदा है कोई गल नहीं अजे रात बड़ी है तू सौ ला अजे फिर भजन कर लें बस एक बार पुठा सुट लिया फिर उठन नहीं दिता रात लंघ गई। जिहड़े गुरमुख ने जो नाम जपते है वो नहीं दिखते रात बड़ी है जां थोड़ी है जिसे भी टाइम लगे वह ला लेंदे वो वसा नहीं खांदे इस मन का वो नहीं खांदे वसा जे असी कोई गलती की जां इहदी गल मन्नी तो पता नहीं इन्हें साडे नाल की करना है जिहड़ा बकत आया उसनों बकत नूं उस परमात्मा की तरफ लंघाई ये साडे विच बड़ियां वड्डियां बीमारियां जिहड़ियां ने ओ स्वामी जी महाराज दस रहे है। हाँ जी आलस नींद सतावे उनको नित नित परम बहे। नुक्स साडे अपने विच होना कढ़ना जाके साध संगत विच मुरशद विच लड़ाई साडे घर दी हैगी रोस असी संगत नाल रहना ये सारा भरम पै जांदा है ये सारे मन दियां गल्लां है। हाँ जी काम क्रोध के धक्के खावे लोभ नदी में डूब मरे। बगैर भजन दे गुरु साहब जी फरमा रहे हैं काम क्रोध के धक्के खावे भाई जिसनों भी ये धक्का वज गया वो नहीं जींदा रह सकता कोई भी धक्का बज जाता है किसी नूं डिग पैंदा है की पता उहदी बांह टुट जानी है लत टुट जानी है सिर पाट जाना जिसनों काम का धक्का लग गया जिंदगी बर्बाद हो गई। 88,000 वर्ष तपस्या ऋषि ने की थी ये धक्का लग गया 88,000 वर्ष की तपस्या जिहड़ी बर्बाद हो गई। जो कुछ भी गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे ने ये साड़ियाँ बीमारियाँ दस रहे ने
कि बगैर भजन के केड़ी केड़ी बीमारी केड़े केड़े दुख तेनू आ रहे हैं, जिन्हों असी दुख समझते नहीं वो संत सानू दस रहे हैं। हाँ जी, काम क्रोध के तके खावे लोभ नदी में डूब मरे, गुर संग प्रीत करे नहीं पूरी, नाम ना डोर गहे। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे कि सतगुरु दे नाल पूरी प्रीति नहीं करदा और नाम ये जपदा नहीं। नाम किस तरह जपे, प्यार करे तो नाम जपे, जदों इहदा प्यार ही नहीं तो नाम कहदा जपना। इसने सब बीमारियां गुरु साहब जी दस रहे ने कि भाई ये सारियां बीमारियां ने, ये सारे दुख ने बगैर बंदगी दे। हाँ जी, गुर संग प्रीत करे नहीं पूरी, नाम ना डोर गहे, तृष्णा अगन जले निस्बासर, नरकन माहे पड़े। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि हमेशा वास्ते इनू तृष्णा लगी रहती है और जड़ी तृष्णा वो अगन है। हर बंदा तृष्णा दे विच सड़ रहा है, किसी की भी तृष्णा जड़ी है वो मुक नहीं सकती, जो मर्जी होवे, चाहे सारे मुल्क का राजा पातशाह बन जाए लेकिन यदि तृष्णा नहीं जा सकती। ये तृष्णा जावे किसी की तो हजूर कई बार फरमाते होंगे सी, एक राज ने दूसरे राज ते हमला करता है, किस वास्ते करता है, की जरूरत है, कि वह अपने राज गुजारा नहीं होंगे, एक दूसरे दियाँ बटा पुटता है बंदा जाके, कि वह अपनी जमीन च गुजारा नहीं होंगे, एक दूसरे की चोरी चीज चरा है धक्का करता है, कि उन्होंने अपनी कमाई से गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन ये तृष्णा दे विच जीव सड़ रहा, हर एक सड़ रहा, गरीब अमीर, ये सिर्फ गरीब अमीरी का गरीबी का नहीं, मतलब ये अरबां पति भी सड़ रहे हैं। हरे अपने इंडिया दे विच यूपी च क्रैशर ला रहे ने, वो रिश्तेदार ही आपू विच दोए आपू विच रिश्तेदार जिहड़े अड्डो अड्डी क्रैशर ला रहे, जे एक जमीन का 10 लाख दिंदा तो दूजा 15 का क्या होंदा होर कैंसल कराने वास्ते, आपू विच एक दोए लगे हाले रिश्तेदार सा। एक बीबी पई उसने लै ली जमीन खुली अपने चंगे पैसे दे के, 150 करोड़ रुपया वो क्रैशर से लाना, 150 करोड़ थोड़ा होंगे कि पैसे जो कोठे पर होंगे ले लिया, दूजे वह बंद कराएंगे लाए गए लै गई, वो खुले पैसे दे के रिश्तेदारी आपू बिच तृष्णा जिहड़ी लगी बंदे की दसो की बंदा उत्थे करेगा। बगैर बंदगी दे यकीन नहीं विश्वास नहीं, वो तृष्णा अगन विच असी सारे सड़ रहे हैं, किसी की पूरी नहीं हो रही। हाँ जी, तृष्णा अगन जले निस्बासर, नरकन माहे पड़े, संतन साथ विरोध बढ़ावे, उल्टी बात कहे। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है ते संतां दे नाल विरोध करता है, उल्टियां फुल्टियां गल्लां करता है, ये नहीं भी बीमारी मेरी मैनू लगी है मैं अपनी बीमारी का इलाज करा, वो संतां दा की कसूर है। असी संतां दे नाल झगड़े करते हैं, बदनामियां करते हैं और कई तरह के असी उच्चे नीवे लफ्ज़ कहते हैं, सानू होर बीमारी बढ़ जाती,
बजाए बीमारी नूं कटण वास्ते जदों असीं संतां नाल विरोधा करदे हां साड़ी बीमारी होर वध जांदी है। हाँ जी, संतन साथ विरोध बढ़ावे उल्टी बात कहे, सत्संग मेहमा मूल न जाने, पेड़ चाल में नेत पचे। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि सत्संग दी महिमा नूं जानदा नहीं। पेड़ चाल हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे सी कि एक पेड़ पहाड़ तों डिग्गी, सारियां ही डिग पईआं कि असीं की करना पिछे रह के। ये हालत साड़ी है, सानू ये नहीं पता सत्संग कहिंदे किनू ने, असीं पेड़ चाल दी तरह तुर पैंदे हैगे। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे। हाँ जी, सत्संग महिमा मूल न जाने, पेड़ चाल में नित पचे, ताने और मान भोग रस चाहे, रोग सोग में आन फसे। सतसंग दे विच आ के भी असी इना चीज़ां नूं मंगदे हां जो बाणी च दस रहे, असी इना बीमारियां नूं मंगदे हां, असी वो चीज़ नहीं मंगदे जिसने सानू सुख देना है। फकीर जिहड़े नाम जपदे है वो नहीं कुछ मंगदे, उस अपने मालक दा दीदार मंगदे है, प्यार मंगदे है। महाराज चौथी पातशाही ने बाणी च फरमाया है, रामा हम दासन दास करीजे, ऐ राम मैनू अपने प्यारियां दा प्यारा बना दे, मैं होर कुछ नहीं मंगदा। असी की मंगदे हां अगे कि साड़ी इज्जत माण होवे, सानू धन पदार्थ मिल जाए, सानू होर कुछ बड़ा कोई कवे, ये चीज़ां असी मंगदे हैं। पर ये झूठा बातल पानी है, जिन्ना मर्जी पी जाओ प्यास नहीं जाएगी। सच्ची इज्जत सच्चा माण जिहड़ा है वह ईश्वर की भगती है। आज तक जिन्ना महापुरखा ने ऋषिया मुनिया ने हौलीए पैगंबर आए दुनिया से जिन्ना ईश्वर की भगती की है, क्या उन्हां दी इज्जत नहीं हुई है? उन्हां नूं माण नहीं मिलिया, उह सच्चा माण मिलिया, सच्ची इज्जत मिली, जिहड़ी जां तक दुनिया रहेगी उन्हां दी इज्जत होंदी रहेगी। असीं झूठी इज्जत दे मगर पैंदे हाँ, ये मिलती है और साडे कोलों चला जाती है, सानूं जिंदगी दा रोग ला के चला जाती है, असीं उस चीज़ नूं रोंदे रहिंदे हाँ जी। हाँ जी, ताने और मान भोग रस चाहे, रोग सोग में आन फसे, पागहीन मतहीन परानी, नर देही बर्बाद करे। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, पागहीन मतहीन परानी, नर देही बर्बाद करे। ये पागहीने हो गए, मत भी ही नहीं हो गई, इस मनुष्या जन्म का कोई फायदा नहीं लिया, यदा मनुष्या जन्म एवें चला गया। जड़ा इसनों एक हीरा जन्म मिलया, बड़ा अच्छा जन्म मिलया, लेकिन इनू बर्बादी कर दी। इस वास्ते दादू साहब ने फकीर सब कुछ होंदया हुई भी माण नहीं करते, वो परमात्मा पासों दया ही मंगते हैं। दादू साहब ने बाणी च फरमाया, क्या मुखले हंसीए दादू दी जे रोए, जन्म अमोलक अपना चले आकार तक होए। दादू साहब जी फरमाते हैं, किहड़े मूँह दे नाल असी हसीए, कोई असी चंगा काम नहीं कीता, हसन वाला कोई काम नहीं कीता, ये जन्म अमोलक सी,
लेकिन असी इस नूं एवें खो के चले। अफसोस किया अपनी जिंदगी का, हाल ही वह बड़े महापुरख सन, बड़े सहारन शक्ति के मालक सन, लेकिन संतां दी बाणी जिहड़ी है वह जो कुछ भी कहिंदे आ सानूं अगले समय आने वाले नूं समझाउण वास्ते कहिंदे। वो सानूं समझा रहे है कि भाई इस जन्म नूं एवें ना खोवो, ये जन्म जिहड़ा बड़ा मुश्किल मिलिया है ये बारंबार नहीं मिलना, पौड़ी छुड़की हाथ ना आवे, आला जन्म गवाया। बाणी च गुरु साहब जी फरमाउंदे है कि मनुष्य जन्म की पौड़ी छुट जाएगी फिर तेरे हाथ नहीं आएगी, ये आला जन्म तेरा एवें चला जाएगा, ये बारों बार नहीं तैनू मिलेगा। लेकिन सानू कोई कदर नहीं है। महाराज जी तीसरी पातशाही इसे वास्ते फरमाया है, तंदा तावत दिन गया रात गवाई सोए। महाराज तीसरी पातशाही ने सिर्फ पानी ढोण की सेवा नहीं की, वो लंगर की भी सेवा करते रहे, भांडे भी मांजते रहे है, लंगर भी खवाते रहे संगत को, और भी काम करते रहे है, सिर्फ पानी ही नहीं फिर भजन भी करते रहे। तंदा तावत दिन गया रात गवाई सोए, ये साड़ी हालत दसी है कि दुनिया के धंधिया च साड़ा दिन लंघ गया तो रात साड़ी सौ के लंघ गए। कुत्ते बिल्ले भी सौ गए, पशु भी सौ गए, परिंदे भी सौ गए, कीड़े मकोड़े भी सौ गए, असी भी नाल ही सौ गए। असी बड़े किस तरह बन सकते हैं, बड़े होने का साड़ा तरीका की है, की काम किया असी बड़े होने का। साड़ा फर्ज है कि असी रात के समय जागीए, जाग के उस परमात्मा का ध्यान धरीए, जो मुरशद ने दसिया है वो मुताबक असी अंदर ध्यान धरीए, तो उस मालक का सिमरन करिए जो भी मुरशद ने दसिया, ता कि साड़ी रात भी किसी थार पै जाए, कि लिखत बच्च आ जाए। दिन तो साड़ा चला गया, रात भी साड़ी चला गई। जे पशु सौ गए तो असी भी सौ गए, असी भी पशु बन गए। कुत्ते बिल्ले सौ गए, असी भी सौ गए। जिहड़ा सौ गया पहलवान भी सौ गया, माड़ा भी सौ गया। जिहड़ा सौ ही गया उहदे विच रिहा की पिछे। इस वास्ते जो कुछ गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है कि मनुष्य जन्म जिहड़ा असी इहदा कोई कदर नहीं पाया। जिन्हां फकीरां ने इहदा कदर पाया, औखे सौखे दुखी हो के भी जिस तरह भी मर्जी है उन्हां ईश्वर का नाम नहीं छड्डे, उन्हां साध संगत का प्यार नहीं छड्डिया। हर चीज़ मिल जाती है, प्यार नहीं मिल सकता। एक बार तार टुट जाएगी मुड़ के गंढी नहीं जाएगी। हाँ जी, पागहीन मतहीन परानी नर देही बर्बाद करे, ऐसी दशा माहे नित बरते, हम क्यों कर समझाए सके। बड़े अफसोस के नाल स्वामी जी महाराज फरमा रहे है कि ऐसी दशा जिस जीव की है असी किस तरह समझाइए, उसनों किस तरीके नाल असी समझाइए। भाई जिसने नहीं समझना उसने समझना ही नहीं। मुहम्मद साहब का चाचा अंबू जेल होया, सारी दुनिया ने उसनों पैगंबर समझिया, लेकिन उसने नहीं समझिया, उसने नहीं समझिया कि पैगंबर है। अपनी शक्ति नाल उसने उपले देशों के सैर भी कराए, लेकिन की किया कि तू जादूगर है, फिर भी उन्हें जादूगर किया पैगंबर नहीं समझे। इस वास्ते फरीद साहब ने बाणी च फरमाया है, ऐ फरीद जिसनों परमात्मा ने पिछों ही वर्ग लाया है, पिछला ही जिसनों लगा है, वो अगे कद समझ सकता है, अगे किस तरह समझ सकता है। जिहड़े पिछों किसी साध संगत विच चली आउंदे है, चली आउंदे है, तुरे आउंदे है,
काम अपना मकाउंदे आउंदे है अगे उन्हां नूं फायदा हो जांदा है। वो मनुष्य जन्म का फायदा ले लैंदे है। कई बार दस्या कि फरीद साहब जी जंगल विच तपस्या कर रहे सन ते चिड़िया ने कोल आके रौला पाया। तपस्या जिहड़ी एक जन्म दे विच प्रगट होनी है वह एक जन्म दी नहीं होंदी, कई जन्म पिछे भी कम चलता आउंदा। नेक पाक काम करदे आउंदे आ तां जाके एक जन्म दे विच आके प्रगट होंदी है। जदों रौला पाया ध्यान ना लगे, फरीद साहब ने गुस्से नाल किया तुसी मरदियां नहीं, चिड़ियां मर गई, सोचिया की बनया है। फिर क्या उड़ जाओ तो चिड़ियां उड़ गई, सोचा मेरा योग पूरा हो गया, मेरी तपस्या जड़ी पूरी हो गई है। आलिए तपस्या नहीं, तपस्या बहुत अगे है। आ रहा सी घर नूं, एक पिंड दे बाहर खूह सी, नौजवान लड़की नवे कपड़े ब्याह दे लगे पानी कट कट के रोड़ रही सी थले, जाके कहिंदा बीबी मैनू पानी पिला, पर उसने उधर ध्यान नहीं दिता, वो पानी का लोटा कढ़े ते थले सुट दे। गुस्से नाल कहिंदा तू मैनू पानी नहीं पिलाउंदी, थले रुड़ी जांदी है। उसने कहा बाबा इन्ना गुस्से ना हो, इत्थे चिड़ियां नहीं जड़ियां मार देनिया ने, चिड़ियां नहीं जड़ियां मार देनिया ने, ठहर जा पानी पिलाउंदियां। जदों इन्नी गल कही तो प्यास सारी बुझ गई। सोची पै गया कि जंगल दे विच कोई है ही नहीं सी, मेरियां चिड़ियां दा इहनूं किदां पता लगा, सोची पै गया। जदों पानी रोल के समाप्त किया तो कहन लगी आओ बाबा जी पानी पीओ। बाबा पानी कहदा पी, बाबे ने फिक्र पै गया, पुछया कि तू क्यों नहीं सी मैनूं पानी पिलाउंदी, भुइयां डोलदी सी, गल की सी। कहन लगी मेरी भैन पति नूं रोटी लै के बाहर गई सी, उहदी झुग्गी नूं पिछे अग लग गई सी ते मैं बुझा रही सां, जे एक भी लोटे दा नागा पै जांदा अग बुझदी नहीं सी। ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਕਲਾਵੇ ਆਈ ਵਿਆਹੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਅਬੜਵਾਈ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਆਈ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਰਤੜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੀਰੋ ਬਾਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਗਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਖੜੀ ਰਹੀ ਛੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਹਦੀ ਤੂੰ ਖੜੀ ਹੈ? ਜੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਹੀ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਭਰਿਆ ਘੁੱਟ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ਦਾਈ ਕਹਿਣ ਔਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈਗੀ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ
उन्हां दा भी अगे सानू फायदा मिलता है। जे असी चंगा काम किया है तो सानू अगले जन्म विच चंगा भी उहदा फायदा मिलता है। हाँ जी, ऐसी दशा माहे नित वरते हम क्यों कर समझाए सके, साध गुरु का कहा न माने, मन मत अपनी ठान ठने। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि साध गुरु दा क्या नहीं मनदा, अपनी मन मत जो भी मन कहिंदा है सो असी करदे, मन दे आखे लगदे हां, सतगुरु दे आखे नहीं असी लगदे, जो मन सानू कही जांदा सो असी करी जांदे, असी सतगुरु दे कहने ते नहीं चलदे। इस करके सानू दुख भोगना पैंदे है, सजा पाना पैंदी है, चौरासी भी जाना पैंदा है, चौरासी दे कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े पशु परिंदे भूत प्रेत सानू बनना पैंदा है। क्यों बनना पैंदा है कि असी मन दे आखे लगदे हैं, सतगुर दे आखे नहीं लगदे। जिन्हां जिन्हां ने सतगुर दे कहने मुताबक काम किया पिछले इतिहास जिहड़े सबूत दे रहे हैं अज तक उन्हां दी उपमा हो रही है और यहाँ तक दुनिया रहेगी, उन्हां दी तारीफ होंदी रहेगी। वो अपने देश चला गया, अपने मालक ने मिल गए, कह दो समुद्र दी बूंद समुद्र चला गई, वह भी समुद्र हो गई, असी उस मालक दे समुद्र चो एक बूंद निखड़े हाँ, एक दूसरे नाल मिलके असी फिर उस समुद्र च दाखिल होना है। पर जे साडे विचो प्यार नहीं मुहब्बत नहीं, असी वो काम नहीं करते, असी किस तरह वापस उस समुद्र च जावांगे। हाँ जी, साध गुरु का कहा न माने, मन मत अपनी ठान ठने, खर कूकर सम वे नर जानो, बिरथा उधर परे। की साड़ी हालत दसी है संतां ने, खर कूकर, खर कहंदे ने गधे नू, कूकर कहंदे है कुत्ते नू। ये साड़ी हालत संत दस रहे है कि जेड़ा तू उधर भरदा है पेट भरदा है तो वह भी तो पेट भर ही लेंदे है, वह भी तो मैला मूला चुक के अपना पेट भर लेंदे है। तू चंगे खाने खा के पेट भर लिया तो सौ रहा चुप करके, उस ईश्वर का नाम ही नहीं जपया, देने वाले का ध्यान ही नहीं किया, की फायदा होया। खर कूकर की मिसाल दे दी है कि उन्होंने भी तो अपना पेट भर ही लिया। हाँ जी, खर कूकर सम वे नर जानो, बिरथा उधर परे, जमपुर जाए बहुत पछतावे, वहां फिर उनकी कौन सुने। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि जब तू अगे जाएगा भाई, जम दूतां दे हाथ आएगा, फिर तेरी कौन सुनेगा, उत्थे तेरी इज्जत रहनी है, तेनू मार कुट होनी है, कौन तेरी गलबात सुनेगा, उत्थे तेरी किसे नहीं सुननी, तेरे को हिसाब किताब लेना है, की करके आया है, की काम किया जे, साढ़े काम के मुताबिक सानू सजा मिलनी है। जे असी अच्छा काम किया है सानू अच्छा समा मिल जाएगा, जे माड़ा किया है तो माड़ा मिल जाएगा, उत्थे बेन्याय नहीं उत्थे न्याय आएगा। हाँ जी, जमपुर जाए बहुत पछतावे, वहां फिर उनकी कौन सुने,
जन्म जन्म 84 भोगे ये शरीर फिर नहीं तरे। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, जन्म जन्म 84 भोगे ये शरीर ये तैनों नहीं मिलेगा, ये मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, तैनों जन्म जन्म 84 भी जाना पड़ेगा। हर एक जन्म विच चार खाना ने अंडे च जेर च सेहत च ओत पहुँच। कुछ जीव अंडिया चु पैदा होंदे है, सप ठूंगे ते मुर्गियां ते होर कई जीव पैदा होंदे है। कुछ जीव जेर चु पैदा होंदे है, चूहे छाने इंसान ते हवान वगैरह ते कुछ होर भी कई जीव पैदा होंदे है। कुछ जीव जद मौसम आउंदा है गर्मियां दा ते लखां करोड़ा जीव पैदा हो जाते हैं। और चौथी क्लास जिहड़ी है वो घास फूस फसल सब्जियां ते दरख्त वगैरह, ये चार खाना ने। चौं खाना दे विच सानूं जाना पैंदा है। क्या किसी खाण विच सानूं सुख मिल जाएगा? कित्थे सानूं सुख मिलेगा? कई दरख्त ऐसे ने कईयां दी किसी नूं संभाल नहीं होंदी, कई बार उहदे डाले टुट जांदे आ, कई बार उहनूं सोक पै जांदी है, कई बार कुछ हो जांदा। पशुआं दी हालत की होंदी है, परिंदियां दी हालत की होंदी है, कीड़ियां मकौड़ियां दी रुढ़ां च पानी पै जांदा, हज़ारां जीव रुढ़ जांदे है, मर जांदे है, क्या सानूं सुख मिलेगा किसे? ये मनुष्य जन्म जिहड़ा है इहदी सेफ्टी वास्ते परमात्मा ने हर एक चीज़ पैदा कीती। रहन बहन दा हर एक साधन है, इहदी दुख बीमारी दा सब कुछ साधन है, भुख नंग दा साधन है, कोई इस नूं कमी नहीं है। असीं दूसरियां जूनां वल देखिए कि उहनां दी की हालत है। सर्दियां दे विच वी दरख्तां ते टंगे हुंदे आ जानवर, बाहर दूसरे जिहड़े ने उह वी देखो की हालत है उहनां दी। इस इंसान वास्ते सर्दी गर्मी दे मौसम दा वी परमात्मा ने इंतजाम किया है, लेकिन असी इहदा कदर नहीं पा रहे। इहनां कुछ होंदिया हुई असी उस मालक दा शुकराना नहीं करदे जिस मालक ने सानू सब कुछ दिता है। साडा फर्ज है कि असी रोज़ दा रोज़ उठते बहते चलते फिरते उस मालक दा शुकराना करिए, है मालक तू तन है जिन्हें सानू इन्ना कुछ बख्शिया, असी इस लायक नहीं है। असी कदे भी उहदा शुकराना नहीं किया। हाँ जी, जन्म जन्म 84 भोगे ये शरीर फिर नहीं तरे। दुर्लभ देह मिली ये अवसर, ऐसी कर जो बात बने। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, दुर्लभ दे मिली जे अवसर, ऐसी कर जो बात बने। ऐ पुरश, ये तैनू जड़ी दे मिली है बड़ी दुर्लभ दे मिली है, बड़ी अच्छी मिली है, कोई ऐसा काम कर तेरी बात बन जाए, तेरा जन्म मरण छुट जाए, तैनू मुड़ के 84 विच ना जाना पाए, ऐसा काम कर ले। वो काम सानू संत महापुरख दस सकते है, और सानू कितों नहीं मिल सकती वो सलाह मशवरा। तुसी किसे सोसाइटी चले जाओ, किसे पार्टी चले जाओ, किसे मजहब विच चले जाओ, तुहानू ईश्वर की भगती वास्ते कोई प्रेरणा नहीं देगा, कोई भी जुगती नहीं दसेगा, कोई भी ना कहेगा। अपने स्वार्थ वास्ते सारे तुहानू दसणगे सब कुछ, लेकिन तेरे वास्ते कोई नहीं दसेगा। वो संत महापुरख दुनिया ते आए है जिहड़े साडे नाल सिर खपाई करदे है, भाई अपने जन्म का फायदा लै, ये जन्म बारों बार नहीं मिलना, ये जन्म चला गया चला गया। फरीद साहब जिस तरह फरमाउंदे है, फरीदा उठ फरीदा सुत्या तेरी दाढ़ी आया बूर, आगा नेड़े रह गया पीछा रह गया दूर।
है फरीद उठ क्यों सुता है, तू पिछला पासा देख कितनी उम्र तेरी लंघ गई है, अगे की पता किन्नी क रह गई है, अगा नेड़े आ गया पीछा दूर हो गया है, उठ काम कर ले कोई। हाँ जी, दुर्लभ देह मिली ये अवसर ऐसी कर जो बात बने, सतगुर शरण पकड़ ले अब की तो सब काज सरे। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, सतगुर शरण ले तुम अब कहंदे ने जल्दी तू शरण ले लै ता कि तैनू कोई सलाह मशवरा अच्छा मिल जाए और तेरा काम बन जाए। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे हैं उन्हां दे तजर्बे है संतां दे, लेकिन असी उस पासे चलते नहीं, असी उधर ध्यान नहीं देंदे। सियाने दी मिसाल है बजुर्गां दी, आमले दी गुली दा ते सियाने दी सिक्ख्या दा बाद विच स्वाद आउंदा है। पहलां ते कड़वी लगदी है, सियाने दी भी गल बड़ी कौड़ी लगदी है, जो सिक्ख्या सियाना देंदा है वह भी कौड़ी लगदी है, पर बाद च पता लगदा है। फिर इस वास्ते संत महापुरख जो सानू फरमा रहे हैं कि भाई किसी महापुरखां दी शरण विच आ जा ता कि तैनू अच्छी सलाह मशवरा मिल जाए, तेरा कोई काम बन जाए। हाँ जी, सतगुर शरण पकड़ ले अब की तो सब काज सरे, हित का बचन दया कर बोले, तू नहीं कान सुने। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि सतगुर ते तेरे नाल प्यार कर रहा है, वो ते प्यार नाल तेनू समझा रहा है, लेकिन तू उधर कान नहीं करता, तू उन्हां दा बचन सुनदा ही नहीं, एक कान सुनदा दूसरे लंघा देना है। ये बाणी च गुरु साहब जी फरमाउंदे, सतगुर सत्संग क्या करे जो सिखन मैं चूक, अंधे एक ना लगी ज्यों बांस बजाई फूक। सतगुर की करेगा, सिख की करेगा, सत्संग की करेगा, जे एक भी बचन अपने अंदर नहीं बैठन देना। जिस तरह बांस नूं फूक मारो दूसरे पासे लंघ गए, इसे ये हालत साड़ी हो जाती है, एक कान असीं सुणदे आं दूसरे लंघा देने, अपने अंदर नहीं बैठन देंदे गल। एक लफज भी साडे अंदर संतां दा अंदर बैठ जाएगा और समय पर उहदा पता लगेगा कि उसका फायदा की है। हाँ जी, हित का बचन दया कर बोले, तू नहीं कान सुने। अंधा बहरा फिरे जगत में, कुल कुटुंब तेरी हान करे। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे, अंधा बौरा कन्ना तू बौरा हो गया, अखां तू अन्ना, तू जगत विच फिर रहा है, कुल भी और कुटुंब भी तेरी हान कर रहे है, कुल भी तेरी हान कर रहे है और कुटुंब भी तेरी हान कर रहे है, तेरे बारे कोई नहीं सोच रहा कि तेनू भी कितने सुख मिलेगा। अखां तू अन्ना हो गया, कन्ना तू बौरा हो गया। गुरु नानक देव जी महाराज भी फरमाते हैं, माया तारी अन्ना बौला, शब्द ना सुने बौराउल कचौला। ये जीव मायाधारी हो जाता है, अन्ना ते बौरा बन गया, ये अंदर वो शब्द आ रहे, कभी शब्द न सुनिया नहीं, ये अंदर लखा रोशना नहीं, कदें रोशनियाँ देखिया नहीं, सब कुछ ये अंदर है, लेकिन कन्ना तो बौला और अखा तो अन्ना हो गया। हाँ जी, अंधा बहरा फिरे जगत में,
कुल कुटुंब तेरी हान करे कर सतसंग मान ये कहना कान आँख फिर दो खुले। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि आओ सतसंग करो तेरी अखां खुल जाणगियां और कान भी खुल जाणगे। किसी सत वाले महापुरखां दी संगत लाओ तेरिया अखां और कान खुल जाणगे सब कुछ तैनू जानकारी हो जाएगी। पर जब तक तू किसी सतसंग वाले किसी सत वाले महापुरखां दी संगत नहीं लैंदा तैनू कोई फायदा नहीं हुंदा। जिन्हां कर्मां दे नाल असीं चाहुंदे आ कि साडी अख खुल जाए कान खुल जाण वह खुलदे ने। असी की कर्म करते हैं गुरु साहब जी बाणी च फरमाते हैं दान पुन अशनान असंजा सात संगत बिन बाद गया। असी ये काम करते हैं कि चलो दान पुन करते हैं अशनान करते हैं कोई संज में रख लें ता कि सानू समझ आ जाए साढ़े कर्म दूर हो जाए। तो गुरु साहब जी कहते नहीं सात संगत बिन बाद गया तैनू साधु की संगत चाहिए है साधु की संगत के बिना सब कुछ बर्बाद है। जब साधु की संगत मिलेगी वो पूछे वह दसेगा सानू दान किनू कहिंदे है तो किनू करना चाहिए तो किस दान विच तैनू फायदा होएगा। माघ के महीने विच गुरु साहब जी फरमाते हैं माघ मंजन संग साधुआ धूड़ी कर शनान हर का नाम त्याए सुन ये सबना नू कर दान। साधुओं की संगत दसी है पहला तू हर का नाम ध्या तो सुन फिर दान कर। तुलसी साहब ने भी बाणी च फरमाया है तुलसी जगत सराम है दो भले हैं काम देनी मुष्टि अन्न की लेने को हरना। अगर तू दान देना है पक्का भोजन खवा दे किसी की आत्मा भुखी होएगी खुश हो जाएगी। अगर दान लेना है तो नाम दा लै जिहदे नाल तेरी कल्याण हो जाए। हाँ जी कर सतसंग मान ये कहना कान आँख फिर दो खुले देखे कट में ज्योत उजाला सुने गगन में अजब तूने फिर तैनू सब कुछ नज़र आ जाएगा। तेरे अंदर वो ज्योतियाँ जगदियाँ वो भी नज़र आ जाएगियाँ तेरे अंदर वो शब्द धुन आ रही है वो भी तैनू सुनाई देगी। तेरे अंदर है बाहरों नहीं आना सब कुछ अंदर है। पर जिस तरह बदल सूरज दे अगे आ जाता है तो सूरज का गैश खत्म हो जाता है इसी तरह साढ़े कर्म जड़े है कर्मां दे बदल अगे आ जाते हैं। इस करके ना असी उस धुन नू सुन सकते हैं ना उन्हां रोशनी नू असी देख सकते। जब तक सानू किसी साधु की संगत नहीं मिलती साढ़े वो कर्म नाश नहीं हो सकते। कर्म नाश नहीं होणगे सानू कुछ नज़र नहीं आएगा। हाँ जी देखे कट में ज्योत उजाला सुने गगन में अजब तूने सुन जाए तरबेनी नहावे हीरे मोती लाल चुने महासुन में सुरत चढ़ावे तब सतगुर तेरे संग चले पंवर गुफा की बंसी बाजी महाकाल भी शीस तूने अब चढ़ गई पुरुष दरबारा
वहां जाए तुन बीन गुने ले दुरबीन चली आगे को अलख अगम का भेद पने यहां से आगे चली उमंग से तब राधा स्वामी चरण मिले। रोज ही सानू कहना पैंदा है वैसे गुस्सा नहीं करना सोचना है कि दुनिया का सुख असी किस तरह लेना है। ये सुख बाणी जी जिहड़ा दस्या है ये अगे का सुख है ते एथे जिहड़ा साडा स्थूल शरीर है इस दुनिया च रहिंदे होए असी सुख किस तरह रह सकते हैं। सुख किसी नूं देंगे तो सुख लेवांगे। सब तो पहला अपने तो बड़े बजुर्गों का आदर मान करना बहुत जरूरी है। अगली अंसा जिहड़ी है वह गिज जाती है कि आदर मान करते असी भी इन्हों का आदर मान करना और मनुष्य जन्म का फर्ज भी है। ये सुख का रस्ता हैगा। बाकी कल भी कहा सी कि जेडे नशे पत्ते चले है इन्हों का जरा परहेज रखो। इन्हां दे नाल बहुत सारे नौजवान पीढ़ी कुछ मौत दे शिकार बन चुके हैं। साढ़े देखदियां देखदियां कुछ बनने वास्ते तैयार तो कुछ उस रस्ते दे जाण वास्ते तैयार। इहदे तों बचण की भी कोशिश करो। ये जिंदगी बारों बार नहीं मिलनी, ये मिल चुकी है, ये बारों बार नहीं मिलेगी। इस वास्ते इस मनुष्य जामे दे कैम रखण वास्ते जिस तरह असी किसी मकान दे थले बहन वास्ते उसनू लिपणे पोचदे हां कैम रखदे हां कि पता किन्ने दिन असी रहना इत्थे इस मकान दे विच। मनुष्य जन्म जिहड़ा कोठा साडा है इहदे वास्ते सानू अच्छी सफारत खाने खाने चाहीदे है जिहड़े इसनू कैम रखण। जिहड़े गलत खाने वो नहीं खाने चाहिए जिहदे नाल साढ़े शरीर नू बीमारियां लग जान जां तकलीफां असी पाना पैण उन्हां खाणियां दा जरा परहेज रखो। सफारत खाना खाओ जिहड़ा ये शरीर साडा जिहड़ा कायम रहे और जितने भी दिन असी दुनिया 'च गुजारने हैं साढ़े सौखे लंघ जाण। ये ना होवे कि असी हस्पतालां दे विच टक्करां खांदे रहिए मंजियां ते ही रौला पांदे रहिए। राधा जी।